अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। तो गाइस मैं पहले तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि डिश जरूर ट्राई करना। तो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूवी एंड एंजल व्लॉग्स। एंड गाइस फटाफट से इस वीडियो मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी इस वीडियो को शेयर कर दो और फटाफट से 1 मिलियन लाइक पहुंचा दो। हाँ, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। इसलिए मैं मतलब 1000 तो आएंगे इसके बाद, पर इतना तो कर ही दो ना। हाँ, अगर आपको कम लग रहा है तो कम से कम 1000 तो बिल्कुल नहीं करोगे आप, मुझे पता है आप करोगे 1 लाख कर दो मेरे फटाफट से सब्सक्राइबर्स और लाइक इस वीडियो पे। और सबसे पहले अगर आपने मेरी क्यू एंड ए की वीडियो देख रखी है तो उसे फटाफट से देख लो और सबसे लास्ट में जाओ मेरे चैनल पे और तब देखो मेरे डंडन वीडियो। फिर इसी तरह जो मुझे सपोर्ट करेगा मैं उसके लिए इतनी सारी वीडियो लाऊंगी मतलब उसने सोचा ही ना होगा अपनी लाइफ में गाइस। सो इसलिए गाइस मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं डेली व्लॉग तो शायद मैं कोशिश करूँ बनाने की, बट गाइस जब मेरी ऑनलाइन क्लास होगी तो मैं संडे बनाऊँगी या फिर कोई चैलेंज होगा तो मैं करूँगी कोई चैलेंज वैलेंज। तो गाइस इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि भाई मेरे करवा दो ना 1 मिलियन। जैसे मेरे 1 मिलियन होने वाले होंगे तभी से ही मैं कोशिश कर लूँगी कि काश मैं चैलेंज की वीडियो बना पाऊँ। शायद आज मैं चैलेंज की वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये व्लॉग है जो वो बहुत ही बड़ा होने वाला। तो गाइज इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। सो गाइज अभी मैं ऊपर हूँ, उठी थी मैं 8 बजे और मैंने वैसे मैं नीचे चली गई थी क्योंकि मेरे को वो मोटर भरवानी थी। एंड गाइज अभी आज मम्मा धोएंगी कपड़े और मैं कुछ गाइज आज मेरी कोई क्लास नहीं है तो फिर आज तो मैं आपके साथ पूरा व्लॉग अटेंड करूँगी। तो फिर आशा करती हूँ कि काश मैं ये पूरा व्लॉग बना पाऊँ, मतलब फिनिश कर दूँ इस व्लॉग को। तो गाइज चलिए नीचे चलते हैं। और गाइज खास कर ना मेरे पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लगी है। और चलिए गाइज मैं ब्रश कर लेती हूँ और फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी या फिर मतलब ऐसे ही खेलूंगी यूवी के साथ। देखते हैं, चलिए नीचे चलते हैं क्योंकि यूवी तो पहले नीचे चला गया। हाँ तो हम भी चलते हैं नीचे। चलो भाई नीचे चलते हैं। उफ, अरे गाइस हम तो अपनी बॉटल ही भूल गए, चलिए अपने बॉटल ले चलते हैं। अपना ब्रश है वो मैं कर चुकी हूँ और अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है क्योंकि गाइज मैं भूल गई थी आपको दिखाना। सो गाइज मेरे को इतना मज़ा आ रहा था, मतलब भूल ही गई इतना टेस्ट आ रहा था। तो गाइज आप कहोगे पता है आपने टी पी होगी और ऐसे नमकीन बिस्कुट खाया होगा। नहीं गाइज मैंने खाया था, मतलब मैंने अब से मिल्क पीना स्टार्ट किया तो मैंने मिल्क पिया था 1 स्मॉल कप भर के, मतलब थोड़ा सा खाली बस इतना सा खाली था बस मैंने इतना पिया था वैसे। तो गाइज एंड गाइज मैंने खाया था उसके साथ लड्डू खा लिया था, वो मीठा वाला था हमने बनाया था वो वाला लड्डू खा लिया था मैंने गाइज। और गाइज मैं सोच रही थी ब्रेड खा लूँ तो गाइज फिर मैंने ब्रेड खा लिया, मतलब ब्रेड पे सांस लगा के खा लिया। अगर आपका भी भूख लग रही है और चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है तो फटाफट से ब्रेड लो या लेके आ जाओ और फिर फटाफट से उस पर सॉस डाल दो और अपनी फेवरेट भुजिया या आलू भुजिया नमकीन मतलब गाइस डाल दो उस पर और फिर उसे मतलब गाइस इसे फोल्ड कर दो अच्छे से। अगर आपने उसे पहले ही बेक्ड कर दिया है तो गाइस और भी ज़्यादा कड़क टेस्ट आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा मैं आप सच कह रही हूँ गाइस।
बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल टेस्ट आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो, ये आपके लिए है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं मेरे को तो ना चाय नहीं पीनी, ना दूध पीना, अब मुझे ब्रेड खाना है। ब्रेड तो अब तो मुझे समझ वो सब ब्रेड ब्रेड तो फिर सेका हुआ ब्रेड मैं किसके साथ खाऊंगा, है ना गाइस। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपके लिए ये छोटी सी रेसिपी बताई है। सो गाइस, अगर आपको थोड़ी थोड़ी ही ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपने ये रेसिपी ट्राई की या फिर नहीं। सो गाइज, अब हम करेंगे अपना लंच। तो गाइज, अब देख रहे हो आप, बोलोगे क्या चीज़ है। सो गाइज, आज हम बनाएंगे वृंदावन के वहाँ पर जैसे चीला बनता है ना, वैसे हमने कोशिश किया। तो गाइज, ये हमने गाजर काटी है, पनीर और गाइज हमने और क्या मम्मा इन रेड रेड को क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, मम्मा इनको क्या बोलते हैं एक बार बताना, मम्मा इनको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। हाँ गाइस, बीटर रूट मतलब चुकंदर, और ये हमारे पोयम ग्रेट, ये तो आप सब जानते ही हो। सो गाइस, अब हमारा तैयार आ चुका है, और ये आ गया हमारे बीस। अब हम डालेंगे, और गाइस मैं तो सोच रही थी पिज्ज़ा बन जाएगा, पर गाइस नहीं बन पाया। चलिए गाइस, अब यूवी के साथ कैमरा लेके चलते हैं। गाइस यूवी है, देखो गाइस कि ये मम्मा इसे अच्छे से फैला दिए ताकि हमारा जम्बो बन जाए। चलिए गाइस, मशरूम कर दो, देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है। अरे रुक जाओ ना, अब मम्मा इसे देखेंगी। ये मम्मा ने डाल दिया साइड में ऑयल ताकि चिपके ना। गाइस आपको तो पता ही है ऑयल डालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो चिपक जाता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है कि वो उल्टा पुल्टा बन जाता है ना, है ना गाइस। अगर वो चिप निकलना रहो तो तेल डाल दो साइड्स में। ये देखो ये गाइस, अब बस एक ही किनारी बची है जो मम्मा को निकालनी है। ये मम्मा फ्लिप करी से क्या हुआ, क्या हुआ, गेम खेल रहा है गाइस। नो टिंटा गाइस, देखिए ये अच्छे से पक चुका है। अब देखते हैं कि मम्मा क्या क्या डालती हैं। ये तो गाइस इसमें तो बुलबुले से आ रहे थोड़े से, अगर आप ध्यान से देखेंगे। अरे अरे क्या है मामा, इसे गाइस वॉशरूम आइए जाओ वॉशरूम के लिए। तो ये देखो आइए वॉशरूम, और गाइस ये मम्मा डाल रही हैं हमारी ग्रेवी ग्रेवी, मतलब हमारी डाल रही हैं अपने। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है, मतलब मेरा मन कर रहा है अभी खा लूँ उठा के, मतलब बहुत टेस्टी लग रहा है। तो गाइस मैं आपको अपना दिखाऊंगी बाद में कि मेरा मुंह कैसा, मतलब पानी आ रहा है गाइस, मैं आपको बता भी सकती हूँ। अगर आपको भी आपके मुंह में भी पानी आ रहा है तो इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करो। ओ ओ ओ माय गॉड, ओके। तो ये मम्मा फ्लिप नहीं हुआ। मम्मा पोएम ग्रेट तो आपने डाला ही नहीं। ओ मम्मा तो भूल गई पोएम ग्रेट, ये मम्मा ने डाल दिए थोड़े से पोएम ग्रेट। हमारे पास प्याज नहीं था तो इसलिए हमने प्याज नहीं डाली। हाँ तो गाइस हमारा रेडी हो चुका है, अब डालेंगे। ओ ओ कुछ नहीं हुआ गाइस। मम्मा आप इनको ना पीसेस में कट कर दो, मतलब पीसेस में कट कर दो, और इनके ऊपर थोड़ी सी सॉस वॉस सी बिखेर दो, और थोड़ी स्टाइलिश सी बन जाएगी है। थोड़ा सा मम्मा वो बिखेर दो, क्या बोलते हैं सॉस बिखेर दो, एकदम मस्त लगेगा भाई। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं ले लेती हूँ अपने प्लेट। गाइज आप देख सकते हो ये सॉस है, ये देखिए गाइज
इतना ही ज्यादा लिटरली बहुत क्यूट लग रहा है। सो गाइस ये मैंने नीचे रख दिया है, अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। तो गाइस मैं पहले तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि डिश जरूर ट्राई करना। चले गाइस इस डिश को टेस्ट करते हैं, मतलब गाइस मस्त बने एकदम वृंदावन जैसे बने गाइस। मैं एक और बाइट लेकर रखती हूँ। गाइस बहुत ही अच्छी बनी है। अब गाइस पूछते हैं कि यूवी को कैसी लगी। सो गाइस यूवी देख रहा है फोन और यहाँ पर यूवी कैसे बताओ कैसा लगा। अच्छा तो इसकी एक चीले की बाइट लेके देखते हैं कैसा लगता है हमें भी। गाइस ये यूवी खेल रहा है खाते खाते हुए, गेम कौन खेलता है। मैं अपना फिनिश करूंगी चीरा और फिर इसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइस फिर हम यूवी और मैं ऊपर जाएंगे और बैट बॉल खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा, धूप सेकेंगे क्योंकि गाइस मेरे को पता नहीं है धूप आ रही है या नहीं आ रही है ना। आई इसे तो आई थी तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तो।